हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पूरे वीक का करंट अफेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेस, वर्ल्ड स्पेस वीक से, जो कि 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। अब ये क्या है? 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया गया है वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड स्पेस साइंस पे फोकस किया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या होगा, तो देखिए वर्ल्ड स्पेस वीक क्यों मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है, जिससे सवाल आने के पूरे चांस हैं। 2024 में स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज थीम रखा गया है वर्ल्ड स्पेस वीक का, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया है फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट इन 1957। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला ह्यूमन मेड सैटेलाइट लॉन्च किया गया था कब, इसी बीच में 4 अक्टूबर को। और इसीलिए 4 से 10 अक्टूबर हम लोग स्पेस वीक बनाते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट, जिसका नाम आपने सुना होगा स्पुटनिक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो स्पुटनिक फर्स्ट नाम का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1957 में, और जहाँ से हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव किए थे, स्पेस में वॉक किए थे, स्पेस के बारे में जानकारी हासिल किए थे। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, इसी संदर्भ में ये डे मनाया जाता है। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, जी हाँ, दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस वीक रहा वो था 5 क्लासिकल लैंग्वेज। अभी हाल में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इन 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। वो कौन से लैंग्वेज हैं? तो पहला है मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमी। ये 5 लैंग्वेज अब क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएंगे। इसके क्या बेनिफिट है और क्लासिकल लैंग्वेज कब से दिया जा रहा है, ये सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, पूरी डिटेल में जानते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो हमने एक शेड्यूल लैंग्वेज बनाया था जिसमें 22 लैंग्वेज हैं। क्लासिकल लैंग्वेज और शेड्यूल लैंग्वेज डिफरेंट है। क्लासिकल लैंग्वेज, जैसा कि नाम बताता है, ये एक प्राचीन भाषा है, और क्योंकि ये प्राचीन भाषा है तो उसे प्रमोट करना ज़रूरी होता है। इसी संदर्भ में क्लासिकल लैंग्वेज सिस्टम स्टार्ट किया गया और सबसे पहला लैंग्वेज था तमिल। तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तमिल के बाद फिर नंबर आता है संस्कृत का, जो कि 2005 में इसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। 2008 के करीब में कन्नड़ भाषा को और तेलुगु भाषा को दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। वही अगर हम बात करते हैं 2013 की, तो मलयालम भाषा, कहाँ की है मलयालम भाषा ज़रा बताएं, ये मलयालम भाषा केरला का है। तो 2013 में केरला के मलयालम भाषा को दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, और वही 2014 में उड़िया भाषा को पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज में रखा गया। ये अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अभी हाल में 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। वो 5 लैंग्वेज हैं मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत काफ़ी पुरानी भाषा है, जिसके बारे में हमें अशोका टाइम से इंफॉर्मेशन मिलता आ रहा है, ठीक है। ये क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, मतलब इन लैंग्वेज की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होगी, स्कूल में होगी, इन लैंग्वेज को प्रमोट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और इस तरह से ये लैंग्वेज रिकग्नाइज होंगे। क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ आर्टिकल के बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 120 को आप याद रखें। आर्टिकल 120 कहता है कि पार्लियामेंट में जो सेशन होता है वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, ये हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 120 में। अगर हम इसको चेंज कर दें, आर्टिकल 210 क्या कहता है, तो आर्टिकल 210 कहता है विधान परिषद और विधानसभा में किस भाषा में डिबेट होनी चाहिए, वो आर्टिकल 210 कहता है, यानी ये स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने देखा दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210। अब जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 343 जो है वो रिलेटेड है हिंदी लैंग्वेज से। आपने ये डिबेट तो सुना ही होगा कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं है, तो इसका इन्फॉर्मेशन हमें आर्टिकल 343 कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, जो कहता है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज से याद आता है ट्रांसलेशन, जी हाँ, आपने भी फेस किया होगा जब आप कंप्यूटर पे अपने भाषा में लिखना चाहते हो कुछ और लिख नहीं पाते हैं, तो हमें थोड़ा गुस्सा तो आता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी भाषा क्यों नहीं जानते। तो रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल उठाई है, जिसका नाम है भारत जेन। भारत जेन जनरेटिव AI है, जैसे कि चैट GPT-4।
जी हाँ, चैट जीपीटी से आप क्या करते हैं, चैट करते हैं और अपने भाषा को लिख पाते हैं। तो उसी संदर्भ में, क्योंकि ये सारे फॉरेन द्वारा बनाए गए हैं, फॉरेन कंट्रीज़ ने बनाया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर भारत चैन नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, जो कि हमारी भाषा को समझेगा और एक हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट वो हमारी बातों को भी समझेगा और आप उससे बातें कर सकते हैं, चैट करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपने भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, भारत चैन जो है वो पहला जनरेटिव एआई है जो कि रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट डेवलप कर सकता है, साथ में क्वालिटी टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकता है और आपकी स्पीच को भी समझ सकता है, यानी कि आप उस पर चैट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो आपने देखा कि लैंग्वेज कितना इम्पॉर्टेंट है और इसी संदर्भ में दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आता है। इंडिया जो है इनोवेशन में आगे जा रहा है, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कह रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 39 आई है, जो कि बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। 2016-17 से ही इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हो रही है। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें।